के इलाहाबाद से तो पहले से वो मेरा लगाव रहा है, क्योंकि सीडीओ के रूप में मैंने लगभग 10 महीने यहाँ पे काम किया है सीडीओ के रूप में, और बहुत कुछ सीखने को मिला है। ग्रामीण क्षेत्र बहुत बड़ा है आबादी के हिसाब से, और विकास के विभिन्न योजनाओं के हिसाब से भी बहुत ही चैलेंजिंग जिला रहा है इस समय। इसको देखते हुए हमेशा एक जुड़ाव लगाव थी, और जब जिलाधिकारी बनने का एक मौका मिला तो फिर से जो है उसी भूमि में जा रहे जहाँ पे हमने कुछ काम करने का प्रयास किया था। और ये भी था कि कुछ जो आधे अधूरे काम थे जो उस टाइम में हम लोग कर नहीं सके, तो हो सकता है कि हम अब जो है इसको पूरा कर लें। क्या क्या आपकी उपलब्धियाँ रही? आपने कुंभ मेला भी देखा है, जी और क्या क्या आपने किया और क्या आपने सोचा था इलाहाबाद को कैसा बनाने का? देखिए, जो जब ज्वाइन किए थे तो सबसे बड़ा एक जो चैलेंज था, ये सबसे बड़ा एक जो काम कह लीजिएगा, जो प्रशासन के लिए भी, शासन के लिए भी, और पूरे भारतवर्ष के लिए, कि जो महाकुंभ था उसको जो है सकुशल संपन्न कराने, ये बहुत बड़ा एक चैलेंज था। इसमें बहुत सारे चीज़ें इन्वॉल्व थी इसमें। एक तरफ तो क्राउड मैनेजमेंट, दूसरी तरफ से जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो चल रहे हैं, जितनी योजनाएं चल रही हैं उनको ये करना, प्लस ये है कि जो टेम्पोरी स्ट्रक्चर्स वहाँ बनते हैं उन सब चीज़ों को टाइमली टाइमली जो है इन प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना, एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो अब ये कि एक शासन के कुशल मार्गदर्शन में जो है जो भी टीम वर्क यहाँ पे दिखी, तो उससे हम लोग महाकुंभ को सफल करने में जो है कामयाब रहे हैं। और उसके बाद जो चीज़ें आई है इसको देखते हुए कि यहाँ पे एक जो इस बार अत्यधिक बाढ़ आई, जो लगभग 50 दिन से ज़्यादा डेंजर मार्क से ऊपर रही है, और ऐसी बाढ़ जो है पिछले 2-3 दशकों में नहीं आई थी, वो भी एक भयावह स्थिति थी। लेकिन ये कि हम लोगों ने बिना धैर्य खोए हुए एक टीम भावना से, जन सहयोग से, एक अच्छा काम करने का या उसको हैंडल करने का हम लोगों ने प्रयास किया। उसमें भी हम लोग मान के चलेंगे कि बहुत हद तक हम लोग जो है उस चीज़ में भी सफल रहे हैं। उसी तरह से बहुत सारे शांति मुद्दे आते रहे, शांति व्यवस्था के, लेकिन समय पे उस पर संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई की गई, तो शांति व्यवस्था बनाए रखने में हम लोग जो है सफल रहे हैं। जन सुविधा केंद्र एक जो ई गवर्नेंस इनिशिएटिव है, जिसमें कि आम आदमी के समस्याओं को टेलीफोन के माध्यम से लिया जाता है, और उसके समय के अंदर उसके गुणवत्तापूर्वक निराकरण करते हुए शिकायतकर्ता को या आवेदक को भी बताया जाता है। तो एक अच्छा पहलू हम लोगों ने प्रारंभ किया था लगभग 1.25 साल पहले। इसमें अभी 12,000 से ज़्यादा परिवारों को इससे सीधा लाभ मिला हुआ है। तो ये भी हम लोग अपना एक प्रयास में हम गिन लीजिए कि अच्छा प्रयास हम लोगों ने कोशिश किया है कि पब्लिक को डिलीवरी सिस्टम उसके घर के इसमें आंगन में दे दें। जितना आपने झांसी में ई गवर्नेंस और इस पर ग्रास रूट लेवल पर काम किया, जी क्या अभी आप समझते हैं कि इलाहाबाद में ज़रूरत है उसकी? नहीं, डेफिनेटली है। उतना समय हम नहीं दे पाए जितना कि हम ई गवर्नेंस को झांसी में दिए थे, क्योंकि इलाहाबाद का जो भौगोलिक स्थिति है इसको देखते हुए, और जो यहाँ पे जो दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे एज एडमिनिस्ट्रेटर। बट ये है कि मैं सभी यहाँ के जो सम्मानित जितने भी जनपद वासी हैं, मैं सबको
उनका रोल भी अत्यधिक अच्छा रहा है हर पहलू पे। तो वो भी एक जो है धन्यवाद पात्र है कि जो भी हम लोग कुछ कर पाए हैं, कुछ बेहतर हम लोग करने का प्लान किया, सोचा और कुछ कर पाए, तो उसमें उनका भी योगदान बहुत ही अच्छा है। उसी तरह से यहाँ के जो सिविल डिफेंस है, मैं उनको एटलीस्ट जो है तहे दिल से ये देना चाहूँगा कि बहुत ही एक्टिव, बहुत ही अच्छा सिविल डिफेंस है, उनका भी बहुत बड़ी योगदान रही है।